गुड मॉर्निंग एवरीवन मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम आज बात करने जा रहे हैं 25 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर देखो उत्पादित होता है दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश की उर्मिल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग से बनी है इन दो प्रश्नों का जो जवाब दिया है वो प्रतिभा श्रीवास्तव ने अच्छा किया है कि मध्य प्रदेश में सफेद संगमरमर जबलपुर में सबसे अधिक उत्पादित होता है इसी कारण जबलपुर को मार्वल सिटी के नाम से जाना जाता है संगमरमर चट्टान नदी के दोनों ओर करीब सौ फुट ऊंची है संगमरमर कायं, कायंत्रत शैल का उदाहरण है जो चूना पत्थर के रूपांतरण का परिणाम है संगमरमर कैल्साइट का बना होता है जो कि कैल्शियम कार्बोडाइट कार्बोनेट का रूप होता है संगमरमर का प्रयोग शिल्प कला में किया जाता है भारत का सबसे प्रसिद्ध संगमरमर मकराना राजस्थान में पाया जाता है जिसे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण हुआ है धुआंधार जलप्रपात संगमरमर की चट्टानों से निकलता है अथवा प्रपात के गिरने से उस स्थान पर धुआं सा बन जाता है इस कारण से धुआंधार जलप्रपात कहते हैं मध्य प्रदेश में सफेद संगमरमर जबलपुर में लाल संगमरमर ग्वालियर में हरा संगमरमर छिंदवाड़ा और सेवनी में रंगीन संगमरमर बैतूल से प्राप्त होता है दूसरा प्रश्न है उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश तथा तो उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है उर्मिल नदी परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है जो छतरपुर कानपुर मार्ग पर उर्मिल नदी पर बनाई गई है मध्य प्रदेश तथा तो उत्तर प्रदेश में जल का बंटवारा साठ चालीस के रेशों में है उर्मिल बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कराया गया था नहरों का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया था जिसकी लंबाई एक किलोमीटर है चरण पादुका कांड चौदह जनवरी उन्नीस को छतरपुर में उर्मिल नदी के तट पर हुआ था इसे मध्य प्रदेश का जलियावाला बाग हत्याकांड कहा जाता है कैलाश विश्वकर्मा ने भी आंसर किया है मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर को कहा जाता है जबलपुर शहर नर्मदा के किनारे स्थित है ठीक है शहर का नाम जवाली ऋषि के नाम पर जबलपुर हुआ है प्राचीन नाम त्रिपुरी है जबलपुर का अंग्रेजों के समय शहर का जबलपुर के नाम से जाना जाता था प्रसिद्ध स्थल भेड़ाघाट हनुमान ताल बड़ा जैन मंदिर मदन महल त्रिपुर सुंदरी मंदिर गुप्तेश्वर मंदिर कचनार सिटी शिव जी की विशाल प्रतिमा है प्रसिद्ध घाट भेड़ाघाट तिलवाड़ा घाट गौरी घाट उमा घाट खारी घाट सिद्ध घाट सरस्वती घाट झांसी घाट गौरैया घाट आदि प्रसिद्ध हैं ठीक है ये पूरी जानकारी आपकी लगभग लगभग जबलपुर की हो जाएगी ठीक है चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है ठीक है दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया ठीक है तो ये दो प्रश्नों के जवाब जो है वो आपको कमेंट करके बताने हैं हमारा जुलाई तक का आउटलुक आ चुका है अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं सिक्स मंथ का भी अवेलेबल है मंथली अगर आप लेना चाहें तो आप मंथली भी ले सकते हैं और सिक्स मंथ का ये लेना चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं कोई भी क्वेरी अगर कर करना चाहते तो हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर कह सकते हैं व्यापम के प्रीवियस पेपर्स और पीएससी के प्रीवियस पेपर्स वन लाइनर्स के फॉर्म में आपको इसमें मिल जाएंगे ताकि आप जल्द से जल्द तीन से चार घंटे अगर आप कंटिन्यू बैठे रहोगे तो इसका पूरा रिवीजन कर सकते हो जहां से काफी प्रश्न एग्जाम में फंसने के चांसेस हैं एनसीईआरटी का सार भी है मध्य प्रदेश की कंप्लीट समरी भी विज्ञान की कंप्लीट समरी भी अवेलेबल है इस ओ कोड को स्कैन करके आप सीधे हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश में सबको साख सबका विकास कार्यक्रम का, का आयोजन कब किया गया है तो सबको साख सबका विकास कार्यक्रम का जो आयोजन है ये बाईस सितंबर को अभी आ, किया गया है और इसका आयोजन किया गया है भोपाल स्थित मिंटो हॉल में ठीक है सबको साख सबका विकास राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है उन्होंने आ, सबको साख सबका विकास कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बालाघाट मंदसौर भिंड मुरैना और रायसेन के मत्स्य पालक ठीक है ये अलग अलग हितग्राही हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरी हैं जैसे मत्स्य पालक हैं पशुपालक हैं और कृषक किसान ठीक है इन तीन कुछ लोगों से बात भी करी हालांकि एक तो महत्वपूर्ण नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है ठीक है इसके अंतर्गत 22 सितंबर को तिरसठ हजार ये ध्यान रखना है त्रेसठ तिरसठ हजार हितग्राहियों को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए ठीक है इनमें से कृषक भी थे पशुपालक भी थे मत्स्य पालक भी थे ठीक है कितने टोटल थे तिरसठ इसी अवसर पर अपेक्स बैंक जो है इसके द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए एक करोड़ रुपए की राशि भी भेंट करी गई ठीक है Apex Bank, है ठीक बैंक ध्यान रखिए मध्य प्रदेश गांध से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और साहूकारी नहीं सहकारी सेनाता जोड़ो विषय पर एक फिल्म भी प्रदर्शित करी गई है इस कार्यक्रम में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पर बार बार हम बात करते हैं मिंटो हॉल की मिंटो हॉल की अगर हम बात करें तो बारह नवंबर उन्नीस में सुल्तान जहां बेगम ने राज्य में आने वाले विशेष अतिथियों के लिए वॉयस राय लॉर्ड मिंटो से इस भवन की आधारशिला रखवाई थी इस भवन का आकार जॉर्ज पंचम के मुकुट के समान था एक नवंबर 1956 से इसका मध्य प्रदेश के विधानसभा के रूप में प्रयोग होने लगा था हालांकि अब नया विधानसभा बन जाने के कारण इसका उपयोग इस विधानसभा के लिए नहीं होता है अगला प्रश्न है हाल ही में अभिनव बिंद्रा एवं एल एम एस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हाई परफॉर्मेंस लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन कहा किया गया तो ये लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया है भोपाल स्थित टी टी स्टेडियम में ठीक है तात्या टोपे स्टेडियम में ठीक है हाई परफॉर्मेंस लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन ठीक है अभिनव इंद्रा और ई एल एम एस फाउंडेशन के द्वारा विशेष रूप से मध्य प्रदेश की राज्य खेल अकादमियों के जो प्रशिक्षक हैं उनके जो खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स सपोर्ट स्टाफ है और जिला जेल अधिकारी इन सब के लिए हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम तैयार किया गया है ठीक है और हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम का मतलब क्या होता है ताकि वो हर स्थिति में अपना जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा दे सके इसके लिए उनको मेंटली तैयार करा जाएगा मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया था कि एक मेंटल वेलनेस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करा जा रहा है ठीक है खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ियों के जो प्रशिक्षक हैं उनके लिए मध्य प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री कौन है यशोधरा राजे सिंधिया है थोड़ी सी बात कर लेते हैं राज्य की खेल अकादमियों के बारे में देखिए तो मैं आपको शहर वाइज बता दे रहा हूं ये ध्यान रख लीजिए प्रश्न जैसे भी पिछली बार एम में भी पूछा गया था अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में आपकी क्रिकेट अकादमी है ठीक है और सॉरी क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में है आपकी आ, भोपाल में है आपकी मार्शल आर्ट्स अकादमी ठीक है मार्शल आर्ट अकादमी कहां पर है, भो है. Academy, आपकी भोपाल में है इसके अलावा आपकी जो शूटिंग अकादमी है वो भी भोपाल में है एथलेटिक्स अकादमी ठीक है एथलेटिक्स अकादमी भी आपकी भोपाल में है इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स अकादमी आपकी भोपाल में है इसके अलावा इक्वेस्ट्रियन ठीक है इक्वेस्ट्रियन अकादमी भी आपकी भोपाल में है इसके अलावा मैन हॉकी अकादमी ठीक है मैन हॉकी अकादमी भी आपकी भोपाल में ये प्रमुख अकादमी है जो आपकी कहां पर है भोपाल में हालांकि हम पहले भी इनके बारे में शायद जहां तक मुझे याद है हम डिस्कस कर चुके हैं फिर हम बात कर लेते हैं बड़े बड़े शहरों की तो जबलपुर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में आर्की ठीक है ये अकादमी है आपकी यानी कि तीरंदाजी अकादमी आपकी जबलपुर में है बात करें अगर ग्वालियर की तो ग्वालियर में आपकी जैसे कि यहां पर मैन हॉकी अकादमी है ऐसी तो विमन अकादमी कहां पर है आपकी विमन हॉकी अकादमी कहां पर है आपकी ग्वालियर में ठीक है ऐसे यह आपकी बैडमिंटन अकादमी ये कहां पर है आपकी ग्वालियर में ठीक है तो ये प्रमुख दो अकादमी आपकी ग्वालियर में हो जाएंगी तो भोपाल ग्वालियर और आपका जबलपुर हो गया अब बात करते हैं उज्जैन तो उज्जैन जो है यहां पर कौन सी अकादमी है मलखम्बक अकादमी है सबसे अच्छे मलखंब के जो खिलाड़ी हैं वो आपके उज्जैन से ही निकलते हैं इसका कारण क्या है क्योंकि मलखंभ अकादमी आपकी यहां पे इसके बाद फिर होशंगाबाद की बात करेंगे तो होशंगाबाद जो है होशंगाबाद में आपकी स्विमिंग अकादमी ठीक है याद कैसे रख लो नर्मदा नदी है यहां पर तो आपको ये याद बना रहेगा कि नर्मदा नदी है यहां पर तो लोग यहाँ पर तैरना सीखते होंगे नर्मदा नदी में ठीक है तो ये आपका होशंगाबाद प्रमुख अकादमी जो है आपकी हो जाएगी बात करें अगर क्रिकेट अकादमी की तो क्रिकेट अकादमी जो है वो आपकी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है कहां पर है शिवपुरी जिले में तो ये प्रमुख अकादमी जो है आपकी हो जाएगी अगला प्रश्न हाल ही में किसी रोजगार गारंटी परिषद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है तो सूफिया फारूखी वली ये अभी पीबी में संचालक के पद पर थी इनको रोजगार गारंटी परिषद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि सीईओ बनाया गया है अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश की ग्रामीण आबादी को पीएज उपलब्ध करवाने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है तो देखिए मैंने जल जीवन मिशन के बारे में पहले भी आपको बताया था ये जो लक्ष्य है 2023 तक का रखा गया है अगर मध्य प्रदेश के अभी हाल की बात करें तो इंदौर और उज्जैन संभाग के सात जिलों की जो ग्रामीण आबादी है उनको नल जल योजना के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पानी की आपूर्ति करवानी है इसके लिए योजना पर अमल करने के लिए लोक स्वास्थ्य यंत्र की विभाग है उसने 309 करोड़ इक्यावन लाख पंचानवे हजार रुपए की स्वीकृति जारी कर दी कितने जिले सात जिलों की ग्रामीण आबादी के लिए इंदौर संभाग के अंतर्गत इंदौर धार झाबुआ अलीराजपुर खंडवा बुरहानपुर यहां पर 300 जल संरचनाओं के लिए तीन सौ दो करोड़ छत्तीस लाख छियासी हजार रुपए और उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले की छह जल संरचनाओं के लिए सात करोड़ पंद्रह लाख नौ हजार रुपए की रेट्रोफेटिंग योजना में स्वीकृत करे गए हैं ठीक है ठीके? तो ये प्रमुख जिले हैं जहां पर ये बनाई जानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश की जो समूची ग्रामीण आबादी है उसको घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष दो तक का लक्ष्य रखा गया तो यहां पर यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यह तो ठीक है चल जाएगा भाई कि याद नहीं करा लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जल जीवन मिशन क्या है तो इसके बारे में भी हमने चार पांच दिन पहले आपको बताया था जल जीवन मिशन के बारे में इसलिए स्ट्रेटेजी इस के यहां पर कवर नहीं कर रहे हम इसको ठीक है लेकिन वर्ष दो तक का है आपको यह याद रखना है कि कब तक ये करवाया जाएगा अगला प्रश्न है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा एक और चीज है हमने अपनी वेबसाइट पे भी आजकल कुछ चीजें अपडेट करना शुरू कर दी हैं तो आप वेबसाइट पे हमारा जो एन एस ब्लॉग है पहले आप वेबसाइट में जाएंगे डब्ल्यू 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 डॉट एन एस एजुकेशन डॉट इन ठीक है उसके बाद उसमें ब्लॉग में जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां जो है वो मिल जाएंगी अभी हम उस उसपे मध्य प्रदेश के जिलों की भी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं पूरे जिले जो हैं उस पर हम आपको वेबसाइट के माध्यम से करवाएंगे तो उसको आप देख सकते हैं तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है आपको पता है बुरहानपुर में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन बुरहान बुरहानपुर में ही किया जाता है इसलिए बुरहानपुर में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर ठीक है बुरहानपुर में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा उन्होंने करी है केले को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी इसके साथ साथ बुरहानपुर में आधारित उद्योगों की की स्थापना भी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धूलकोट को तहसील का दर्जा दिए जाने की भी घोषणा करी है। इस तहसील के गठन के बाद बुरहानपुर में कुल पांच तहसीलें हो जाएंगी जिनमें से एक बुरहानपुर बुरहानपुर नगर खकनार नेपा नगर और धूलकोट इसके साथ साथ उन्होंने ताप्ती पुल का नाम राजेंद्र दादू सेतु नाम रखे जाने ग्राम दे तलाई में महानायक की मूर्ति की स्थापना ग्राम बसाड़ को बुरहानपुर में शामिल करने और धूलकोट में कॉलेज के नवीन भवन बनाए जाने की भी घोषणा की है शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की मरम्मत क्षतिग्रस्त सड़कें अन्य सड़कों के निर्माण कार्य शिवा बाबा मंदिर विकास कार्य के लिए एक करोड़ रुपए देने की भी घोषणा उन्होंने करी है तो ये बुरहानपुर में प्रमुख घोषणाएं करी है यहाँ पे बात आई है राजेंद्र दादू की तो ये बता दें हम आपको बुरहानपुर जिले की जो नेपा नगर विधानसभा सीट से विधायक थे लेकिन वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश के सीहोर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेंद्र दादू की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते थे मौत कहाँ हुई थी इनकी सीहोर में हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं ठीक है भोपाल आ रहे थे वो रस्ते में मतलब एक्सीडेंट हो गया था बहुत बड़ा खराब एक्सीडेंट हुआ था ये बुरहानपुर जिले की नेपा नगर विधानसभा से वर्ष 2008-2013 में विधायक चुने गए थे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आदिवासी नेता के रूप में पहचाने जाते थे जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में तब मध्य प्रदेश में था उन्नीस ठीक है तीस अगस्त उन्नीस को इनका जन्म हुआ था अगला प्रश्न है तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग द्वारा कब भोपाल में इंडस्ट्री या कार्यशाला आयोजित की गई तो कार्यशाला आयोजित की गई है 22 सितंबर को ठीक है किसके द्वारा तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग के द्वारा ये करी गई है भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य इंडस्ट्री अकेडमिया कार्यशाला आयोजित की गई है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इस कार्यशाला का शुभारंभ जो है वो किया है तो गाइजे पूरा था आज का वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें वीडियो पर कमेंट करें थैंक यू वेरी मच